हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बड़ा अपडेट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये पटना हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट का वैकेंसी निकला हुआ था, उसका एग्जाम डेट आ चुका है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 नोटिस है। ये 18 अप्रैल 2023 का है। दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर द असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर इतना इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 30/4/2023। यानी कि 2023 के 30 अप्रैल 2023 को एग्जाम होना है। इन सिंगल शिफ्ट 12 बजे से 2 बजे के बीच, यानी 12 से 2 ये सिंगल शिफ्ट में लिया जाएगा और ये 30 अप्रैल को लिया जाएगा। दोस्तों ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर सिचुएटेड इन बेगूसराय, भोजपुर, आरा, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली एट हाजीपुर, द रिपोर्टिंग टाइम फॉर द कैंडिडेट्स विल 10 AM to 11 AM। यानी 10 से 11 बजे के बीच जो है ये मैंने एग्जाम में प्रवेश करने का समय है। यानी आप इसके लिए जो है एडमिट कार्ड ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी अपलोड सून ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट, यानी www.patnahighcourt.gov.in। इस पर जाकर के आप लोग एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड डाल दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स इज फाइनल एंड नो कम्युनिकेशन विद रिगार्ड टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी इंटरटेन। यानी कि अब जैसे देखिए, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट किया गया है, किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर चेंज किया जाए। एडमिट कार्ड वुड नॉट बी सेंड टू द कैंडिडेट्स सेपरेटली थ्रू एनी अदर मोड। यानी कि दूसरा कोई भी तरीके से आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल also invited through SMS and email on their registered mobile number and email ID in this regard। यानी आपके द्वारा जो ईमेल दिया गया है और SMS मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर पर भी आपको भेजा जाएगा, साथ ही साथ आपको ईमेल पर भी भेजा जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इसलिए कि सिर्फ एग्जाम डेट के बारे में बताना था कि 30/4 को एग्जाम का डेट निर्धारित हो चुका है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतनी ही अपडेट। धन्यवाद।